हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ईवीएस के अंदर स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा जो यूनिट नंबर 7 है, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। अब पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने कौन से किए थे, जैसे कि हमने पहले यूनिट में देखा था कि जो पूरी है वो हम, जैसे कि उसका जो आटा बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आटा, डो बोलते हैं हम, डो को बना के जैसे हम जो हमारा ऑयल होता है उसके अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वो नीचे चली जाती है और फिर उसके बाद वो फूल के और क्या होता है, ऊपर की ऊपर आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि पानी के अंदर कोई चीज़ रखनी है, जैसे कि सोप, जो साबुन रखते हैं तो वो पूरा अंदर गिर जाता है, और सोप केक के साथ जो सॉरी सोप केस के साथ हम लोग जो साबुन रखते हैं तो वो तैरता है, जैसे कि छोटी सी सुई है वो पानी के अंदर गिर जाती है, और फिर हम देखें तो जैसे बड़े बड़े स्टीमर है, बोट है, वो पानी के अंदर क्या होते हैं, घूमते हैं फिर भी वो पानी के अंदर डूबते नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने देखी थी कि पानी के ऊपर तैरती है और पानी के अंदर डूबी जाती है। अब क्यों डूबती है तो उसके बारे में भी आपने आपको मैंने समझाया था, जो डिस्प्लेस वाटर है उसके कारण वो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है कम, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट उसके बाद जो पेज नंबर 62 में हमें थीम कुछ चीज़ें दी हुई थी, आपको एक्सपेरिमेंट करना था, उस चीज़ को पानी में डालने से पहले आपको सोचना है कि वो डूबेगी या फिर तैरेगी, उसके बाद आपको वो पानी के अंदर डालनी है और फिर देखना है कि वो कैसे क्या होता है, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट जो मैजिक भी हमने देखा था, जैसे कि मैजिक क्या था, तो जो बाय मिस्टेक टू मच सॉल्ट वाटर जो आयशा थी उसकी मम्मी को बुखार था, तो वहाँ पर उसके पापा ने कहा कि बॉयल अंडे बॉयल कर दो और उसके अंदर थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो डाल देना, फिर बाद में आयशा ने डाला तो भी वहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा सॉल्ट गिर गया तो भी पानी के ऊपर अंडे आ गए। तो ऐसे ही एक और जो हमारे पास आया है जो यूनिट जनरल नॉलेज के लिए, डेड सी। अब डेड सी के अंदर, इसको डेड सी क्यों कहा जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डेड सी का लोकेशन कहाँ पर है। तो डेड सी का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैप में, आप देख लो, जैसे कि आप सब देख सकते हो डेड सी का लोकेशन, देखो इजराइल और जो वहाँ पर है ब्लू कलर में लिखा हुआ है डेड सी, जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी। तो आपने ये जो लोकेशन है वो आपने देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि डेड सी के अंदर क्या होता है और क्यों से डेड सी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा है कि वहां पर अगर आप तैरते हो तो तैरने की जरूरत नहीं रहती, आप पानी के ऊपर ही रहोगे। आप अगर आपको पानी में तैरना नहीं आता है फिर भी आप वहां पर जाते हो तो आप ऊपर तैरते ही हो, बाकी कुछ नहीं होता, इसके अंदर आप डूबते नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, जो हमारे ओशियंस है और सीज है जो हमारे समुंदर है वहाँ पर क्या पानी है, सॉल्टी वाटर है, बहुत ही खारा पानी है। उसके बाद बोला है कि द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो सॉल्टीएस्ट है, सबसे ज़्यादा खारा पानी है वो कहाँ पर है, डेड सी के अंदर है। हाउ सॉल्टी मतलब कैसे सॉल्टी, इमेजिन, हमें इमेजिन करना है कि 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, जैसे कि 1 लीटर वाटर के अंदर 300 ग्राम हम सॉल्ट डाल दें तो वो कितना सॉल्टी हो जाएगा, आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाए तो आप टेस्ट करोगे नहीं, तो ये इतना सॉल्टी है। तो यहाँ पर है कि वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर इन, क्या आप ये जो 1 लीटर वाटर के अंदर 300 ग्राम जो सॉल्ट डाला तो क्या आप इसका टेस्ट करना चाहोगे, तो नहीं, हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही खट्टा होता है। तो ये जो डेड सी है वो इतना ही, उसका पानी है वो इतना ही खारा है। यहाँ पर है कि इट वुड बी वेरी बिटर, इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, मजेदार बात यह है कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसको तैरना नहीं आता हो, शी वुड नॉट ड्राउन इन दिस सी, और वो ये सी के अंदर, ये समुंदर के अंदर डूब नहीं सकता है, शी विल फ्लोट इन वाटर, और वो पानी के ऊपर तैरता है एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, तो वो और जो नीचे वो डूबता नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ तैरता
है। तो जैसे कि हम कुएं के अंदर, सॉरी हम कहीं पर भी तालाब या वहां पर पानी हो और हम जैसे वहां पर कूदते हैं तो हम क्या होता है नीचे अंदर की तरफ डूब जाते हैं, और ये समुद्र ऐसा है कि हम उसके ऊपर की तरफ हम रहते हैं तैरते हैं, तो इसको बोला जाता है डेड सी। अब क्यों होता है, तो जैसे कि हमने आगे देखा था मैजिक के अंदर क्या देखा था कि जैसे नींबू, जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया था नींबू है और पानी है, सॉरी पहले पानी का ग्लास है उसके अंदर पानी डाला और वहाँ पर नींबू हमने डाला तो क्या हुआ नींबू सीधा नीचे चला गया, उसके बाद हमने थोड़ा सा नमक डाला जो सॉल्ट डाला तो वहाँ पर से वो सॉल्टी बन गया, और फिर ज़्यादा सॉल्ट डाला तो नींबू नीचे से ऊपर तक आ गया। तो इसका रीज़न यही है, वो बहुत ही सॉल्टी है डेड सी का जो पानी है, इसकी वजह से इंसान ऊपर की तरफ आके वहाँ पर से फ्लोटिंग हो जाता है, मतलब तैरता है। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वेटर, तो आपको क्या करना है ये जानने के लिए डेड सी के बारे में जानना है कि अगर वहाँ पर लोग क्यों नहीं डूबते, तो आपको क्या करना है जो सॉल्टी वाटर जो हमने देखा था लेमन के साथ वो आपको याद करना है। नेक्स्ट उसके बारे में बोला है व्हाट डिजोल्व व्हाट डिड नॉट। डिजोल्व मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं इतना, पहले सबसे पहले वाटर ऐड कर दिया, अब उसके बाद ऊपर से हम डालेंगे सॉल्ट ऐड किया, तो अब ये टोटल कैसा बन गया वाटर प्लस सॉल्ट, इसके अंदर पानी भी है और सॉल्ट यानी कि नमक भी है, बट हम स्टीरिंग करते हैं, मतलब स्टीरिंग मतलब हिलाते हैं उसको, ऐसे ऐसे घुमाते हैं अंदर पानी में कुछ भी चीज डालकर ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद क्या होगा पूरा जो सॉल्ट नीचे जमा हुआ है वो पूरा पिघल जाएगा, ऐसे बोलते हैं या गुम हो जाएगा, वहां पर से सॉल्ट हमें दिखेगा नहीं, तो उसको क्या हुआ क्या बोलते हैं कि सॉल्ट पूरा डिजोल्व हो गया, क्या बोलते हैं डिजोल्व। तो डिजोल्व का मैंने समझा दिया कि डिजोल्व किसको कहते हैं, जैसे कि पानी के अंदर नमक डालते हैं और फिर उसको हिलाते हैं तो क्या होता है नमक पूरा डिजोल्व हो जाता है, अंदर डिजोल्व हो जाता है, तो ऐसे ही डिजोल्व का मीनिंग मैंने आपको समझाया। अब डिजोल्व में हमें यहाँ पर बोला है कि व्हाट डिजोल्व, क्या डिजोल्व होता है, व्हाट डिड नॉट और क्या डिजोल्व नहीं होता वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. के संडे के दिन जो आयशा का कजिन ब्रदर है उसके काका का जो सॉरी उसके अंकल का जो बेटा है वो आयशा के घर पे खेलने के लिए आया था। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakkarpara as a sweet dish. अब यहाँ पर बोला as soon as he came, he asked. जैसे वो आया तब उसने बोला कि जो ऐसा की मम्मी थी उनको बोला कि मेरे लिए शक्करपारा जो स्वीट डिश आती है वो बनाओ, शक्करपारा आपने भी खाए होगी वो डिश। अम्मी ने कहा लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, मुझे मार्केट में से आने दो, मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, मार्केट में से आने दो, देन आई विल मेक सम फॉर यू और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। व्हाई डोंट यू हेल्प मी, उसने जो मम्मी थी आयशा की मम्मी ने कहा कि मुझे मार्केट जाने दो और मार्केट में से आने के बाद मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। फिर उसने उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हामिद है उसको कहा कि क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो। अब कैसी हेल्प करनी है, टेक टू ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट। तो क्या करना है टेक टू ग्लासेस ऑफ वाटर, अब क्या हामिद को क्या करने को बोला दो ग्लास पानी एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट, किसी भी चीज के अंदर दो ग्लास पानी डाल दो और उसके अंदर दो क्या बोला है दो कप भर के क्या डालो शुगर डाल दो एंड मिक्स इट टिल इट डिजोल्व, मतलब उसे इतनी देर तक मिक्स करो कि वो डिजोल्व हो जाए, मतलब जो शक्कर है वो पानी के अंदर नहीं दिखनी चाहिए उतने टाइम तक आप क्या करो डिजोल्व करो। हामिद ने सोचा लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, मैं ये वर्क है जो काम है वो पहले जल्दी से पूरा कर देता हूँ, देन आई विल वॉच टीवी और उसके बाद मैं टीवी देखूंगा। अब हमें सजेशन बोला है कि सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर, हमें जो हामिद को
जो शुगर है वो अच्छी से और जल्दी से फिनिश करनी है, डिसॉल्व करनी है, तो उसके लिए कोई सजेशन आपको देना है। कोई कैसे सजेशन आएगी, जैसे कि हम सजेशन एक दे सकते हैं, जैसे कि पानी गर्म करो और उसके अंदर शुगर डाल दो, जल्दी से वो डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बोलेंगे अच्छे से हिलाओ, जल्दी जल्दी हिलाओ, तो वो जल्दी से वो निकल डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मिलेंगे मेकिंग अ पाउडर ऑफ द थिंग, आप क्या करो जो शुगर है शुगर का पाउडर के फॉर्म में बनाओ, उसके बाद वो पानी का टर और जल्दी से हिलाओ, वो तुरंत ही हिल जाएगी, मतलब डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसके लिए कुछ जो हमने सजेशन दिए लिखेंगे, थिंग्स कैन बी डिसॉल्व क्विकली बाय थिंग्स, कौन सी चीज़ें, थिंग्स कैन बी डिसॉल्व क्विकली बाय, अब किसके द्वारा होती है, तो यहां पर है फर्स्ट स्टीरिंग इट फास्ट, स्टीरिंग इज फास्ट, स्पीड से उसको अंदर जो हम शुगर पानी और शुगर डाल के उसे जल्दी से हिलाना चाहिए, तो वो क्या होता है स्टीरिंग इस बार जल्दी से हिलाने से वो निकल जा डिजोल्व हो जाता है। हीटिंग अप द लिक्विड, द लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी को गर्म करो और उसके बाद उसके अंदर शुगर डाल के लगा दो, या फिर क्या करो जो पानी डालो और उसके बाद शुगर डालो और उसको गर्म कर दो, तो वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद है मेकिंग अ पाउडर ऑफ द थिंग, मेकिंग अ पाउडर ऑफ द थिंग, जो चीजें है उसको पाउडर फॉर्म में बनाओ, टू बी डिसॉल्व उसको डिसॉल्व करो, पर यहाँ पर है मेकिंग अ पाउडर ऑफ द थिंग टू बी डिसॉल्व, तो क्या करो आप क्या करो जैसे कि पाउडर फॉर्म बना दो और उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दो, तो ये आप कर सकते हो। तो हमने हमारे पास जो जो सजेशन थे वो मैंने दिखाए, अब आपके पास और भी सजेशन हो तो आप लिख सकते हो, ये भी आपको क्या करना है नोटबुक के अंदर लिखना है, तो ये आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक के अंदर लिख दो, अब नेक्स्ट हमें उसके आगे दिया है डू दिस एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 64 भी दिया हुआ है, देखो आप डू दिस एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट करना है और उसका रिजल्ट क्या क्या आता है मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाने वाला हूँ, फिर भी आपको ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करना है। जैसे कि मेक ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है फोर फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है, फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4 to 5 ग्लासेस और बाउल्स, स्पूंस, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, आपको क्या क्या चाहिए, तो कौन सी चीज़ें चाहिए, जैसे कि 4 to 5 ग्लासेस चाहिए, ग्लास और बाउल्स, ग्लास चाहिए या फिर बाउल चाहिए, स्पून चम्मच, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन टेबल, जो आपको टेबल में जो भी चीज़ें दी हो वो आपको चाहिए, जैसे कि सॉल्ट चाहिए, सॉइल चाहिए, चॉक पाउडर चाहिए, मिल्क चाहिए और ऑयल चाहिए। आगे बोला है टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, आपको क्या करना है हर एक ग्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी भर देना है। नाउ ट्राई टू डिजोल्व वन थिंग इन वन ग्लास, आपको क्या करना है जैसे कि पहले हम सॉल्ट लाए तो सॉल्ट को डालना है पानी के अंदर, फिर उसके बाद लाए मिल्क तो मिल्क को डालना है, ऑयल को डालना है, सॉइल लाए तो सॉइल को डालना है, चॉक पाउडर लाए तो चॉक पाउडर को डालना है, ऐसे वन बाय वन हर एक चीज़ ग्लास के अंदर डालनी है। जैसे कि 6 ग्लास है हमारे, 5 ग्लास है
तो पांचों ग्लास के अंदर हमने फर्स्ट में सॉल्ट डाला, सेकंड में सॉइल, थर्ड में चॉक पाउडर, फोर्थ में स्पून मिल्क, जो स्पून है वन स्पून मिल्क डाला, और लास्ट में ऑयल। अब बोला है ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड नॉट इन द टेबल। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, और उसके बाद क्या करना है, टेबल में नोट करना है। तो यहां पर है, जैसे कि मैं आपको यहां पर लिखवा दूंगा, क्या आप ऑब्जर्व करोगे और फिर लिखोगे, तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि क्या करना है, कैसे लिखना है। जैसे कि चीजें बोली है, डिड इट डिसॉल्व और नॉट, यहां पर है डिड इट डिसॉल्व और नॉट, क्या वो चीज डिसॉल्व होती है या नहीं। फिर बात में बोला व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, व्हाट हैपेंस आफ्टर 2 मिनट्स, मैंने आधा लिखा हुआ है वहां पर है कि कीपिंग 2 मिनट्स मतलब 2 मिनट तक रखने के बाद क्या होता है वो आपको फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास सॉल्ट है, मैं डालता हूं सॉल्ट, तो मैं आपको कंफर्म नहीं पक्का बोलता हूं कि सॉल्ट के साथ क्या, जैसे सॉल्ट आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, पहले तो वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा, 2 मिनट के बाद वो डिजोल्व हो जाएगा। तो यहां पर है कि डिड इट डिसॉल्व और नॉट, क्या ये डिसॉल्व होता है या नहीं, तो होता है, तो हाँ सॉल्ट हमने देखा कि यस डिसॉल्व होता है। अब बोला है कि आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स रखने के बाद क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे कि सॉल्ट मिक्स कंप्लीटली, तो कंप्लीटली सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, हम लिखेंगे यहां पर कि सॉल्ट मिक्स जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, पूरी तरह से सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट डिसॉल्व है पानी के अंदर, पानी के अंदर डिसॉल्व होता है इसलिए वो मिक्स है। डिसॉल्व का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, वो आपको याद रखना है हर बार। सेकंड में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉइल। अब सॉइल का तो आपको पता है कि सॉइल हम पानी में डालेंगे तो यह जैसे कि मैं ये कुछ चीज हो जाता हूँ उसमें सॉइल ऐड करता हूँ, अब पानी इतने तक भरा हुआ, जैसे सॉइल ऐड की तो फिर बाद में पूरी पूरा ये पानी है वो सॉइल सॉइल वाला बन जाएगा, और उसके बाद में ऐसे पूरी जो मिट्टी है वो ऐसे बन जाएगी या भी नीचे की तरफ जमा हो जाएगी मिट्टी। तो आपको ये एक्सपीरियंस करना है, जैसे कि सॉइल है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसका आंसर नो, डिसॉल्व है तो नहीं, क्या है डिसॉल्व नहीं है। उसके बाद क्या लिखना है हमें आगे, कि 2 मिनट रखने के बाद क्या होगा, तो सॉइल को क्या होगा, सॉइल सेटल डाउन, वाटर फ्रॉम वाटर बिकम मडी, तो क्या होगा, सॉइल सेटल डाउन, क्या होगा, जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगी एंड वाटर बिकम, पानी क्या होगा, मड़ी, मतलब गंदा जैसा, जो गंदा जैसा दिखता है वैसा पानी हो जाएगा। तो आपको यह लिखना है, 2 के अंदर आप एक्सपेरिमेंट साथ में करो और जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो और देखो कि ऐसा हो रहा है या नहीं। सॉल्ट पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, जो सॉइल है वो डिसॉल्व नहीं होती, सॉल्ट मिक्स कंप्लीटली हो जाएगा और जो सॉइल है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होती, तो आपको ये करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड और फोर्थ दिया है वो आपको करना है और जो फिफ्थ उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं ऑयल, अब ऑयल का क्या होता है, किसी भी चीज को तेल या फिर कोई भी ऑयल ले लो, जो फिफ्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है ऑयल, ऑयल का क्या होता है, तो ऑयल पानी में डिसॉल्व है नहीं, लिखेंगे नो, क्योंकि अगर देखो आप यहां पर इतने तक पानी रखते हो और फिर उसके अंदर ऑयल ऐड करते हो तो क्या होगा, आप ध्यान से देखना और ये एक्सपेरिमेंट करना, ऐसे ऐसे बूंदे बन जाएंगे ऑयल की, आपको ऐसे ऐसे बूंदे दिखेंगे, जो आपने ग्लास के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर ऑयल डाला, तो ऑयल के अंदर ऐसे ऐसे बूंदे दिखेंगे,
आपको ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि ऑयल के अंदर सॉरी पानी के अंदर आपको ऐसी जो डॉट डॉट है वो आपको दिखेगी। तो आपको ये फाइंड करना है और लिखना है। तो क्या होगा, जैसे कि क्या होगा कि ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और जो ऑयल है वो उस पानी की सरफेस पर आएगा। तो हम लिखेंगे ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जैसे कि पानी की जो ऊपर की जो वाटर सॉरी ऊपर की जो सपाटी है वहां तक क्या होगा, पानी आ जाएगा। तो सरफेस जो ऊपर के सरफेस है वहां पर जो ऑयल है वो आ जाएगा। तो ये मैंने आपको वन फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ करवाया, थर्ड और फोर्थ आपको अपनी तरह से करना है। और उसके बाद आपको लिस्ट बनाया जो नीचे के क्वेश्चन से वो सॉल्व करने की ट्राई करनी है कि क्या होता है, वो आपको आगे ट्राई करनी है। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चों यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं हमारी जो यूनिट है उसके साथ। थैंक यू वेरी मच।